एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेट देखा था, इंट्रोडक्शन पूरा मैट्रिक्स का हमने समझ लिया था। तो ये सेकंड लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का, तो इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप होते हैं, और ये पार्ट वन है हमारा, क्योंकि मैट्रिसेस के टाइप बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और काफ़ी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि इसको ऐसे भगाना। तो इसलिए पार्ट वन है, इसमें हम जितनी बात करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं पहली मैट्रिक्स के टाइप की, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? देखो, कॉलम मैट्रिक्स होता है जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम वन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 2 1 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बता सकते हो इसका? इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम 1 है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, सिर्फ 1 होगा, और रोज नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, ऐसा कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका उल्टा अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होता है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 4 9 2, तो इसमें क्या है, 4 कॉलम है, C1 C2 C3 C4, और नंबर ऑफ रो क्या है, 1, तो इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बहुत अच्छे समझ में आ गया। अभी तीसरी जो मैट्रिक्स है वो बात करेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें कुछ एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 5 0 2 1, ये मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो, ठीक है, सेम नहीं हो, तो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गई, एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अलग अलग होंगे, तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह से आप बता सकते हो मुझे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। एग्जाम्पल बता सकते हो उसका, जैसे इसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 5 0 2 1 2 3 1, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी हमने 4 तरह के मैट्रिक्स देखी हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है बाकी सारे कॉलम होते हैं, ठीक है, और तीसरी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं, और जो फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सेम होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे की, ठीक है। तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आएगी, इसलिए मैं इसको अलग से कुछ नंबर नहीं दे रहा हूँ। तो फोर्थ का पार्ट वन चल रहा है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है भाई, जहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, चलो ठीक है। जैसे मान के चलो एक मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं, 0 0 2 0 1 0 5 0 0। देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए मैंने इसमें अलग से नंबर नहीं दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये डायगोनल, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल आएगा इसके अंदर, डायगोनल 0 1 0 0 1 0, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कह दो, या फिर प्राइमरी कह दो, या लीडिंग कह दो, या फिर मेन कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट 0 1 और 0 हैं, 0 1 और 0 हैं, ठीक है। तो आपको अभी पता चल गया कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला नहीं होता कभी, ये बता दो, ये वाला, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है।
ओके तो हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो होगी अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट द अदर एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 100020004। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से अलग एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से अलग जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये भी ज़ीरो हो सकते हैं क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी? ये ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी, मे नॉट बी ज़ीरो। ये ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से अलग एलिमेंट है ना वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो दोबारा पढ़ देता हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट द अदर एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। ओके, तो उसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आपको पता चल गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं मेरे पास जैसे 1 2 3 0 2 1 4 1 1, ऐसा करके लिख दिया मैंने, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका मैं सम करूं, 1 + 2 + 1, ये वाला 1, ये 2, ये 1, तो वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसको, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ही डायगोनल मैट्रिक्स बना है वो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी क्या है, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को सम करने के बाद। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनसे अलग सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये देख लिया। अच्छा, हम क्यों बात कर रहे हैं इतने ज़्यादा डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई डायगोनल मैट्रिक्स इज सो कूल, व्हाई इतनी क्यों बात कर रहे हैं? तो उसके हमारे पास चार रीज़न है, वी हैव ए फोर रीज़न फॉर दिस। तो पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न डायगोनल मैट्रिक्स तो पता है ना कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका निकालूं, जैसे मेरे को पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। अगर ये है प्रिंस, क्या नाम है तुम्हारा, डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ है क्योंकि इसमें बाकी ज़ीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो पहला जो रीज़न है क्यों हम ज़्यादा फोकस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स पे, उसका रीज़न है कि हम इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करना होगा। तो इसका क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट, आंसर 5 आ गया। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है इनवर्स का। दूसरा रीज़न क्या है, इनवर्स का। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A00B, क्यों बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। तो इसका जो इनवर्स निकलेगा कैसे निकलेगा, बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1/A 0 0 1/B। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को दिया जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को रेसिप्रोकेट करके लिख दूंगा, तो मेरा इनवर्स आ जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, नंबर 3 रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न है जो मल्टीप्लाई होती है इसमें,
वो पॉइंट बाय पॉइंट होती है, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2, ये है तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स, और एक और मैट्रिक्स लेता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स में 10 0 0 1। तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा ना पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब 1 का 10 से, 0 का 0 से, 0 का 0 से, 2 का 1 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 10 10 0 0 2। तो मल्टीप्लाई भी बहुत आसान होती है इसमें। अच्छा, फोर्थ रीज़न क्या है मेरे पास इसका, फोर्थ रीज़न है नंबर ऑफ ज़ीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस। मान के चलो मुझे मैट्रिक्स दे दी कोई कि बताइए इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 0 0 4। देखो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, आगे डायगोनल मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ जीरोज मैं कैसे कैसे निकालूंगा, इसमें तो गिन सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, लेकिन मेरे पास अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, तो उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स पर काम करेगा सिर्फ। तो फॉर्मूला क्या होगा, n² - n, n क्या है, जो तुम्हारा है ऑर्डर होगा, क्योंकि स्क्वायर में तो सेम ही होगा, 3 × 3 4 + 4 जो भी होगा, n² - n। जैसे इसका 3 × 3 था, तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी, 3² - 3 9 - 3 = 6। तो इस तरह से मैं नंबर ऑफ जीरोज भी बहुत आसानी से बता सकता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स में। तो क्या क्या रीज़न से डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने के, पहला तो डिटर्मिनेंट, जिससे हम प्रोडक्ट कर सकते हैं खाली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। दूसरा हमने देखा इनवर्स, जिसमें क्या करना होता है हमें, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को रेसिप्रोकेट करके लिखना पड़ता है, उनका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। तीसरा मल्टीप्लाई का रीज़न, जिसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। चौथा था नंबर ऑफ ज़ीरोज, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनसे अलग जो एलिमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अभी फ़िलहाल के लिए, इतनी हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।